हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो त्वचा के व्युत्पन्न थे उनका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और इन त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे रोम है, त्वचा की जो ग्रंथियां हैं वो क्या कहलाते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। उसमें हमने रोम की जो संरचना थी उसके बारे में अध्ययन किया था कि भाई जो रोम है ये किन भागों से मिलकर के बना है, उसके कुछ भागों का हम लोग अध्ययन कर चुके थे, जैसे कि जो रोम पैपिला है, रोम की जड़ है, रोम पुटिका है, तो उनका हमने किसमें अध्ययन किया था, रोम के जो हमारा फर्स्ट वीडियो में था उसमें हम उनका क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम इसके नेक्स्ट भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि उसमें हमारा फोर्थ जो भाग है रोम का वो क्या कहलाता है, रोम कांड। अब रोम कांड कौन सा था, जैसे कि ये लंबा जो भाग है जो रोम हमको बाहर दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, रोम कांड। इसके बाद में हमने बताया था कि नीचे जो थैली के समान संरचना ये क्या कहलाया था, रोम कुटिका कहलाई थी। इसके बाद में इस रोम कुटिका के नीचे आधार भाग पर एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है, और इस गड्ढे जैसी संरचना में रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है जिसको क्या कहा था, रोम पैपिला। इस रोम कुटिका के तल पर से कुछ अतिवृद्धियां निकली रहती है, यानी कि चर्म स्तर में जो धसा हुआ रहता है, कुछ कोशिकाएं विभाजनशील होकर के कुछ अतिवृद्धियों का निर्माण करती हैं, और इन अतिवृद्धियों को हमने क्या कहा था, रोम की जड़। तो रोम पैपिला के अंदर जो रुधिर कोशिकाओं का जाल था वो इन रोम की जड़ों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और जिससे रोम कांड की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए बेटा, ये जो पार्ट है, यहां तक का जो पार्ट है, ये तो किसमें धसा हुआ था, चर्म में। कहां पर धसा हुआ था, चर्म में। और इसके बाद में चर्म से बाहर कितना जो पार्ट है ये अभी चर्म से बाहर निकला होता है, यानी कि चर्म से बाहर अब कौन सा स्तर है, अधिचर्म स्तर। तो अधिचर्म स्तर से बाहर निकला हुआ जो लंबा भाग होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, रोम कांड। इसके ऊपर कुछ समय पश्चात जैसे ही बाहर निकलता है कुछ समय पश्चात इसके ऊपर क्रिएटिन का जमा हो जाता है, और क्रिएटिन का जमा होने के कारण रोम कांड कैसा रहता है, निर्जीव होता है। तो जब भी हम बालों की अगर हम कटिंग वगैरह करवाते हैं तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता, लेकिन अगर हम रोम को खींचते हैं तो हमको किसका अनुभव होता है, दर्द का। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई रोम कांड था उस पर तो क्रिएटिन का जमा होता है, तो वो तो कैसा पार्ट था, निर्जीव पार्ट था। तो निर्जीव पार्ट को अगर हम काट देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का दर्द का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब बालों को खींच रहे हैं तो जो रोम पुटक है उस पर भी खिंचाव महसूस होगा, और रोम पुटक किसमें धसा हुआ है, चर्म में, और चर्म स्तर कैसा था, किसका बना हुआ था, सजीव कोशिकाओं का। तो सजीव कोशिकाओं में जब खिंचाव होता है तो हमें दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। तो कहने का मतलब है कि रोम का जो ये लंबा भाग होता है जो हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, रोम कांड कहलाता है। देखिए बेटा, रोम कांड है ये तीन भागों से मिलकर के बना होता है, पहला है उपत्वचा, दूसरा वर्कुट, और तीसरा कौन सा होता है, मध्यांश। उपत्वचा रोम के ऊपर जो सबसे बाहरी इसका आवरण होता है, महीन पतला आवरण होता है, ये इसका क्या कहलाता है, उपत्वचा कहलाती है। इसके बाद अगर इसके हम सेक्शन कटिंग काटें तो उपत्वचा से जब अंदर जाएंगे तो अंदर वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन कहलाएगा, वर्कुट स्तर। इस वर्कुट स्तर में कुछ रंगा कोशिकाएं पाई जाती है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, और उन वर्णक कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ही बालों का क्या होता है, निश्चित रंग होता है। किसी के काले बाल है, किसी के भूरे बाल है, किसी के, तो ये सब जो बालों के रंग है वो किसके कारण हो रहे हैं, वर्कुट स्तर में उपस्थित रंगा कोशिकाओं के द्वारा। अब देखिए बेटा, जब इन रंगा कणों की कमी हो जाती है तो हमारी जो वर्कुट कोशिकाएं थी उनके अंदर हवा बढ़ जाती है, और हवा बढ़ जाने के कारण बाल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। इसके बाद अगर सबसे वर्कुट के अंदर की बात करें तो जो आंतरिक कोशिकाएं होती है वो एक लंबा आपस में धस करके एक लंबे अक्ष का निर्माण कर लेती है, इस तरीके से जुड़ जाती है और एक अक्ष का निर्माण कर लेती है, और अक्ष का निर्माण जितना लंबा अक्ष होता है उतने ही हमारे बाल क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो अक्ष का निर्माण करने का काम किसका है, यहाँ पे मध्यांश का। तो देखिए बेटा एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रोम कांड चर्म से बाहर त्वचा के सतह पर निकला हुआ ठोस भाग रोम कांड कहलाता है। इस पर क्रिएटिन के जमाव के कारण ये रोम कैसा हो जाता है, निर्जीव भाग। अब देखिए बेटा, क्रिएटिन के जमाव को हमने क्या कहा था, क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम्स में आता है कि भाई श्रृंगी भवन या क्रिएटिनाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं। तो क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन किसे कह रहे हैं, कि अधिचर्म की जो बाह्य कोशिकाएं होती है उनके ऊपर यदि क्रिएटिन का जमा हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, श्रृंगी भवन या क्रिएटिनाइजेशन। तो हमारा जो रोम कांड होता है उसके ऊपर भी किसका जमा हो जाता है, क्रिएटिन का जमा हो जाता है, इसी कारण ये कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। रोम कांड के तीन
भागों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा भाग है इसका? उत्तचल। ये सारे भाग हमको कब दिखाई देंगे? अगर हम रोम की एक सेक्शन कटिंग काट करके अगर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो फिर हमको ये सारे पार्ट हमको क्लियर नजर आते हैं। यह रोम कांड का सबसे बाह्य अत्यंत महीन एक कोश के स्तर होता है। यह शल की कोशिकाओं से क्या होता है? निर्मित होता है। सेकंड भाग कौन सा है इसका? गलपुट। यह रोम कांड का मध्य स्तर होता है। इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य रंगाकण पाए जाते हैं। देखिए बेटा, बालों का एक निश्चित रंग होता है और वो निश्चित रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? रंगाकणों की उपस्थिति के कारण रंगाकण पाए जाते हैं। ये बालों को रंग प्रदान करते हैं और इनकी कमी हो जाने पर बल्कुट कोशिकाओं में हवा बढ़ जाती है जिससे बाल कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तीसरा पार्ट इसका कौन सा आता है? मध्या। सबसे आंतरिक भाग है इसका और यह रोम का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं परस्पर सटकर के किसका निर्माण करती है? रोम के अक्ष का क्या करती है? निर्माण करती है। अब ये हमारा कौन सा पार्ट पढ़ा है हमने? इसका जो रोम था उसकी संरचना का कौन सा भाग पढ़ा था हमने? फोर्थ पढ़ा है। फिफ्थ भाग का हमारा कौन सा है? इरेक्टर पिलाई पेशियां। तो देखिए बेटा, रोम जो होते हैं इनको में भी गति होती है, तो जो इनकी गति का जिन पेशियों के द्वारा इनका संचालन होता है उन पेशियों को क्या कहते हैं? इरेक्टर पिलाई पेशियां। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। बाल कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। या कोई भय वाली स्थिति है तो हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम कौन सी पेशियां नियंत्रण करने का काम कर रही है? बालों का इरेक्टर पिलाई पेशियां। लेकिन जब सामान्य स्थिति होती है तो ये इरेक्टर पिलाई पेशियां भी कैसी हो जाती है? सामान्य हो जाती है। यहाँ पर तो संकुचित हो जाएंगे। जब भय या ठंड वाली स्थिति है उस टाइम तो ये पेशियां कैसे हो जाएंगी? संकुचित हो जाएंगी और बालों को क्या कर देती है? खड़ा कर देती है। लेकिन जब सामान्य अवस्था होती है तो इरेक्टर पिलाई पेशियां भी कैसी होती है? सामान्य हो जाती है और जिसके कारण हमारे बाल भी कैसे हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पेशियां रोम कुटिका से निकलकर चर्म में लगी रहती है। भाई हमको ताप का, दाब का, दर्द का, इन सब का अनुभव कहाँ पे होगा? सजीव कोशिकाओं में। तो अगर भाई ठंड है, अब ठंड का हमें पता कैसे लगे? भाई त्वचा होती है वो ही हमें सर्दी गर्मी सबका क्या करवाती है? अनुभव कराती है। तो ठंड का अनुभव कौन कराएंगे यहाँ पे? भाई बाल खड़े हो रहे हैं। तो अब बालों के द्वारा हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या किसका महसूस हो रही है? ठंड महसूस हो रही है। तो जो ठंड का अनुभव है वो निर्जीव कोशिकाएं तो कराएंगे नहीं, वो कौन सी कोशिकाएं कराएंगे? सजीव कोशिकाएं। तो अधिचर्म का जो अंकुरण स्तर है उससे बाद में जो जितने भी कोशिकाएं होती है चर्म स्तर तक की, वो उन भागों में कौन सी पेशियां पाई जाती है? इरेक्टर पिलाई पेशियां। ये पेशियां रोम पुटिका से निकलकर चर्म में लगी रहती है तथा रोम की गति का क्या करती है? संचालन करती है। ये पेशियां संकुचित होती है तो रोम क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अब संकुचित कब होंगी? जब कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे कि कोई भय है, ठंड है, तो उस स्थिति में ये पेशियां कैसे हो जाती है? संकुचित हो जाती है और सामान्य अवस्था में ये कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो इस तरीके से हमने जो मानव के जो त्वचा के जो व्युत्पन्न थे उनका हमने केवल एक पार्ट का अध्ययन किया है और वो हमने किसका अध्ययन किया है? केवल रोम की संरचना का। अगले वीडियो में हम जो ग्रंथियां यानी कि त्वचा के जो बाहर या अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उनका हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।